बाय परचेज का जो अगला पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने आपको केस वन कराया था, आज केस टू कराऊंगी आपको, जिसके अंदर क्या है कि पहले जो हमारे पास कैश वैल्यू भी थी, कैश प्राइस, लेकिन अब की बार कैश प्राइस हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है। हायर परचेज वैल्यू, हमारे पास है मान लीजिए 23,100 रुपए। उसके बाद सीडी यानी कि डाउन पेमेंट, वो है जी 4,000। इंस्टॉलमेंट है, छिहत्तर सौ 6,555। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 7,600। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो है आपकी 6,000 और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आपकी है जी 5,500 और 4,000 रुपीज का आपका हो गया कैश डाउन पेमेंट। तो टोटल बन गए आपके 23,100 रुपए। ठीक है जी, ये आपने इंस्टॉलमेंट देनी है आपकी कैश प्राइस के हिसाब से निकालना है हमें। ना तो हमें इंटरेस्ट पता है और ना ही हमें कैश प्राइस पता है, वो हम दोनों हमने दोनों को निकालना है। आपका इंटरेस्ट रेट है जी आपका 10%। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगी। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इस बार जो कैलकुलेशन है वो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से करेंगे यानी कि 5,500 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला है इसका, लास्ट इंस्टॉलमेंट 5,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो 5,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। ये आपका आ गया कैश प्राइस। इसका मतलब आपने क्या किया कि 5,000 रुपए का आपका कैश प्राइस था और 500 का आपका इंटरेस्ट था और 5,500 रुपए आपका हायर परचेज वैल्यू थी, वो हमने निकाल ली। अब हम दूसरी इंस्टॉलमेंट में कैसे निकालेंगे इसको, इसको प्लस में इसको ऐड करेंगे हम लोग, यानी कि 6,000 और 5,000 को कितना हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू 10,000 आ जाएगा आपका कैश प्राइस, हो जाएगा जी आपका 10,000 और आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000 रुपीज। अब हम थर्ड निकालेंगे। थर्ड वाले में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को और प्लस में जो आपका कैश प्राइस आया उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 10,000 प्लस में 7,600 तो कितना हो जाएगा आपका 17,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। आपका आ जाएगा कैश प्राइस और आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,600 रुपए। इट मीन्स 3,100 आपका इंटरेस्ट आ गया। हायर परचेज की जो वैल्यू है वो है आपकी 23,100 और आपका जो कैश प्राइस है वो हो गया 20,000। 20,000 आपका कैश प्राइस, 3,100 आपकी हो जाएगी इंटरेस्ट का रेट और हायर परचेज का ये था।
आगे का जो प्रोसीजर रहेगा वो जो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आपको कराया था, फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा आपका और एक आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है वो है आपका 20%। सेम का सेम वही मेथड है, सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी डिफरेंट है। एक बार मैं दोबारा से कराऊंगी आपको ये, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, कम से कम एक या दो बार। हाँ जी, स्टेटमेंट थी आपकी, हायर परचेज वैल्यू थी आपकी 23,100 रुपए, डाउन पेमेंट आपने 4,000 की कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी आपकी 7,600, सेकेंड आपकी थी 6,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो है 5,500। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब हमने जो कैलकुलेशन निकाली वो हमने लास्ट से निकाली है। सबसे पहले फॉर्मूला आएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 5500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, तो इसमें हमारा जो कैश प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 5000, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 500 और इंस्टॉलमेंट जो थी वो हमारी थी 5500। अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम लोग, 6000 को 5000 के साथ एड कर देंगे तो 11,000 आ जाएगा। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 तो 10,000 आ जाएगा। आपकी ये वाली इंस्टॉलमेंट होगी 10,000, 1,000 आपका इंटरेस्ट हो गया और 6,000 आपकी इंस्टॉलमेंट थी। उसके बाद हमने क्या किया कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी और जो सेकंड का कैश प्राइस वैल्यू था दोनों को एड किया, 17,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 तो 16,000 आ गया आपका। अब ये 16,000 रुपीज आपकी जो थी वो कैश प्राइस की वैल्यू थी और 4,000 रुपीज आपने डाउन पेमेंट दी थी, तो दोनों का जो टोटल है वो हो गया हमारा 20,000। 20,000 आपका कैश प्राइस हो गया, 3,100 आपका इंटरेस्ट हो गया और 23,100 जो है वो हो गया जी आपका हायर परचेज वैल्यू। ये आपकी कैलकुलेशन है। अगला जो आपके जो आगे का जो प्रोसीजर रहेगा उसमें एक तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एक आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है, एक आपको वेंडर अकाउंट बनाना है। तीनों का प्रोसीजर वही रहेगा जो पिछले पार्ट में जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, सिर्फ अब ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी नई है। इसके अंदर केस वन एक हो गया आपका, केस टू और अब एक हो जाएगा आपका केस थ्री, वो मैं आपको कराती हूँ। एन्यूटी मेथड वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हायर परचेज का जो टॉपिक है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, लेंथी टॉपिक है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ हमने कैलकुलेशन समझनी है, अकाउंट हमें बनाने आते हैं, प्लस वन से हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, टी शेप के अकाउंट है वो हमें इजीली बनाने के लिए आते हैं, ठीक है जी। अब हम एन्यूटी मेथड करते हैं इसका। हाँ जी, एन्यूटी मेथड के अंदर आपका केस नंबर थ्री में क्या होगा, हम लोगों के पास दो कंडीशन है। एक तो आपको एन्यूटी जो टेबल के जो वैल्यू है वो पता होने चाहिए, अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो आप कैलकुलेशन कैसे निकालोगे। दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो इंस्टॉलमेंट थी आपकी एक 7600 की थी, एक 55 की और एक आपकी 6000 की थी, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो सेम होनी चाहिए, पीरियड भी सेम होना चाहिए और आपकी इंस्टॉलमेंट भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, एक 80,000 रुपीज आपका हायर परचेज वैल्यू, हायर परचेज वैल्यू और कैश प्राइस हमने निकालना है, इसमें डाउन पेमेंट है हमारी 20,000 और 20,000 की ही तीन इंस्टॉलमेंट है आपकी जो हो जाएंगे 60,000, यानी कि 80,000 है वो आपका हायर परचेज वैल्यू है, लेकिन हमें कैश प्राइस नहीं पता, कैश प्राइस हमने निकालना है। तो 20,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, 20,000 की ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट और 20,000 की ही आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट आपका निकलेगा प्लस में आपका कैश प्राइस निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी रेट मान लीजिए आपका इस
इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि अगर 1 rupees आप 3 years के लिए 5% रेट के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एन्यूटी की जो वैल्यू है वो आपकी है जी 2.72325। अगर ये है वो 3 years के लिए ही हमने ये इंस्टॉलमेंट पे की है, ये आपका क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू दी हुई होगी कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितनी वैल्यू है। तो इस सब में क्या है कि 1 rupees की वैल्यू 3 years में 5% के हिसाब से 2.72325 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके इंस्टॉलमेंट कोई भी ले लो क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर ही है, तो 20,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.72325, तो आपका आ जाएगा जी इसमें 54,465। और प्लस में आपकी डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितनी थी 20,000, तो हमारा जो कैश प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 74,465 rupees। ये आपका कैश प्राइस आ जाएगा 74,465। और ये आपकी जो डाउन कैश प्राइस है, आप हायर परचेज प्राइस है, वो है आपका 80,000। इट मीन्स आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो जाएगा, 80,000 में से हम लोग इसको लेस कर देंगे, ये आपका इंटरेस्ट रेट आ गया, ये आपका कैश प्राइस आ गया 74,465 और 80,000 आपका हायर परचेज का था। बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो वही का वही सेम होगा जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, ये कैश प्राइस हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है जी। अब हम जो नया टॉपिक करेंगे वो हम अगले पार्ट में करेंगे, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसकी, एक बार आप इसको पोज करके इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हाँ जी, अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या है कि टाइमिंग जैसे पहले हमने किया था, हम साल की एंड में कर रहे थे पेमेंट, या फिर मंथ की एंड में या क्वार्टर की एंड में। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने पहले महीने में फर्स्ट मंथ में आपने पेमेंट कर दी 2,000, पेमेंट है आपकी 30,000 की, फिर उसके बाद 2-3 महीने आपने कोई पेमेंट नहीं करी, फोर्थ मंथ में आपने फिर से 6,000 की पेमेंट कर दी, फिर आपने सिक्स मंथ में फिर से आपने 10,000 की पेमेंट कर दी, फिक्स एट मंथ में फिर से आपने 10,000 की पेमेंट कर दी, और टेंथ मंथ में फिर से आपने 2,000 की पेमेंट कर दी। 30,000 rupees आपने देने थे और आपने ऐसे दे दिए। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये तो अलग अलग हो गया, कभी आप फर्स्ट में दे रहे हो, कभी फोर्थ में दे रहे हो, कभी सिक्स में दे रहे हो, कभी एट्थ में, कभी टेंथ में, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा इसका? इंटरेस्ट तो अलग अलग रेट से निकलेगा। पहले महीने में अगर आपने 2,000 की पेमेंट करी है तो 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर फोर्थ में आपने 6,000 की पेमेंट करी तो फिर इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, वो सब हम अगले पार्ट में सीखेंगे, अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का ट्रीटमेंट, ठीक है जी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।